आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। भारत अगले साल मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। भारत ने सफलतापूर्वक YC के 139वें सत्र के लिए बोली जीती और ये एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि भारत ने 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सत्र के बाद से YC सीजन की मेजबानी नहीं की है। सत्र में YC के सदस्य ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक की मेजबान के लिए शहरों के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। 2030 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश का चुनाव और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए खेल शेड्यूल तय करना इस सत्र में एजेंडे का मुद्दा हो सकता है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र अगले साल भारत में हो रहा है, जो ऐतिहासिक क्षण है। हाल के सालों में भारत में खेल ने काफी प्रगति की है। इस ऐतिहासिक अवसर के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की यह बैठक मई जून में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। 2023 में होने वाले इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को 76 मतों में से 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद IOC की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नीता अंबानी ने YC की आगामी बैठक भारत में आयोजित करने की दमदार पैरवी की थी। उन्होंने YC सदस्यों को बताया था कि भविष्य में युवा ओलंपिक और ओलंपिक खेलों को भारत लाना हमारा सपना है। हम चाहते हैं कि दुनिया के सबसे युवा देश भारत के नौजवान ओलंपिक की भव्यता और विशालता को महसूस करें। हम इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। IOC की वार्षिक बैठक की मेजबानी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए नीता अंबानी ने आगे कहा, ओलंपिक मूवमेंट 40 साल के इंतजार के बाद भारत वापस आ रहा है। मैं 2023 में मुंबई में IOC सत्र की मेजबानी करने का सम्मान भारत को सौंपने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आभारी हूँ। ये भारतीय खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और निशानेबाज में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा शामिल थे। बीजिंग में चल रही YC की वार्षिक सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्चुअली तरीके से आगामी बैठक की मेजबानी करने के लिए भारत का पक्ष रखा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने एक बयान में कहा कि मैं नीता अंबानी और उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व के लिए एवं अपने सभी IOC सहयोगियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। अगले साल मुंबई में आपका इंतजार रहेगा। ये भारत के लिए खेल के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हम चाहते हैं कि ओलंपिक मूवमेंट हमारी अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाए। भारत को YC सत्र के लिए मेजबानी का अधिकार मिलना एक ऐतिहासिक पल है। भारत द्वारा ओलंपिक की मेजबानी करने की दिशा में ये पहला कदम हो सकता है। IOC अध्यक्ष थॉमस बाफ ने कहा कि हमने भारत को चुना है क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए एक बड़ी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।